एक जो मेरा गोल फॉर द ईयर है वो मैं कल कंप्लीट करने जा रही हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज ऑफिशियली सेकंड व्लॉग ऑफ 2020 बिकॉज 21st व्लॉग जो था वो मैंने हैप्पी न्यू ईयर विश करने वाला आप लोगों को कर दिया था। सो दिस इज ऑफिशियली सेकंड व्लॉग ऑफ 2020 एंड आज मैं अपना बेडरूम का छोटा सा यू नो मेकओवर करने वाली हूँ। बहुत इसमें मैं एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कुछ नहीं करने वाली हूँ। जो मेरे पास चीज़ें प्रेजेंट हैं उसी से मैं मिक्स एंड मैच करके चीज़ें चेंज करने वाली हूँ बिकॉज मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। मुझे ना थोड़े थोड़े चेंजेस होते रहना चाहिए लाइफ में, अदरवाइज एक ही एक मोनोटोनस लाइफ मुझे बहुत बोरिंग लगती है। और मेरा बेडरूम को ऑलमोस्ट एक साल हो गया है वो इसी तरह से है, तो मैं सोच रही हूँ आज थोड़ा सा चेंजेस करते हैं बिकॉज ऑलरेडी इतनी सारी बार मैं मेकओवर कर चुकी हूँ तो मेरे पास काफ़ी सारा सामान है, तो उससे आई गेस काफ़ी अच्छे से बेडरूम में मेकओवर हो जाएगा। तो यस, विदाउट फर्दर डू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। ये जो मेकओवर है ये एकदम प्रॉपर सिर्फ डेडिकेटेड मेकओवर नहीं रहेगा, मैं अपना नॉर्मल क्या क्या चीज़ें कर रही हूँ वो सब आपको बताऊंगी। नॉर्मल डे का मेरा व्लॉगिंग रहेगा, उसके साथ में मैं ये मेकओवर वाला जो पार्ट है वो इंक्लूड करूंगी। वेट अ सेकेंड, मुझे विंडो बंद करने दीजिए बिकॉज आपको बहुत चैं चैं पैपे की आवाज़ आ रही होगी। मैंने ये ऑर्डर किया था फ्रॉम Amazon एंड आई जस्ट रिसीव दिस प्रोडक्ट टूडे। बहुत ही अच्छा लग रहा है दिस। सो द फिनिशिंग इज डेफिनेटली नॉट गुड एज पर द प्राइस में इसका प्राइस था 650 रुपीज़। तो दिस इज़ लाइक अ वाटरिंग कैन और ये 2.5 लीटर्स की है, तो इससे पानी काफ़ी अच्छे से प्लांट्स को दे पाते हैं। ऊपर जो प्लांट्स लगे हुए हैं, हैंगिंग प्लांट्स लगे हुए हैं मेरे पास, तो उनको सबको निकालना नहीं पड़ता है मुझे। अदरवाइज मैं उनको प्लांट देने के लिए सबको निकालती हूँ, एक जगह पर रखती हूँ एंड देन फिर वाटरिंग करती हूँ, तो वो बहुत हेक्टिक टास्क हो जाता है। सो दैट्स वाई आई ऑर्डर दिस एंड इट लुक्स लाइक अ यू नो नाइस पीस। आप इसको डेकोरेशन में भी रख सकते हो, यहाँ पर फ्लावर्स वगैरह लगा के एंड ऑल। सो ठीक है, इसके साथ थोड़ा सा वो भी आया है, फर्टिलाइजर भी उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। तो बस ये मैंने ऑर्डर किया है और भी काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं मेरे पास जो कि मैं खरीद रही हूँ बिकॉज बर्थडे मंथ में मैं बहुत शॉपिंग करती हूँ और मैं गिल्ट फ्री होकर शॉपिंग करती हूँ। सब कुछ शॉपिंग करती हूँ मैं, मतलब घर का सामान, ये सामान वो सामान सब कुछ लेती हूँ मैं। सो वही सब चल रहा है अभी, और अभी जस्ट आई एम गोइंग टू टेक शार लेने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हे गाइस, सो आई जस्ट टुक शार एंड शार लेने के टाइम मैं सिर्फ अपने फेस को वॉश करती हूँ और फेस वॉश करने के बाद मैं टोनर लगाती हूँ और टोनर लगाने के बाद मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, वो है मामा अर्थ स्किन प्लम फेस सीरम। ये मैं लास्ट 15 डेज से यूज़ कर रही हूँ एंड आई स्वेयर बाय दिस प्रोडक्ट, इट वर्क सो अमेजिंगली ऑन माई स्किन। मुझे कोई भी मॉइस्चराइजर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट और ये मुझे मामा अर्थ वालों ने भेजा था 15 डेज पहले बिकॉज मैं ब्लॉग इतना कर नहीं रही थी रेगुलरली, सो आई डिडंट शो यू अप दैट टाइम। इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड एंड रोसिप ऑयल मिला हुआ है एंड आपको सिर्फ इसको 2 ड्रॉप्स लेना होता है अपने हाथ में होता है एंड अपने फेस पे प्रॉपरली। स्क्रीन पे दिया हुआ कोड यूज करने पे आप लोगों को 20% डिस्काउंट मिलेगा। सो इट इंस्टेंटली एब्जॉर्ब्स इन द स्किन, आपकी स्किन को बहुत सॉफ्ट फील करवाता है एंड इस ये आपकी स्किन पे इनफ हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है दैट यू डोंट नीड एनी अदर प्रोडक्ट। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, बट इसको लगाने के एटलीस्ट 10-15 मिनट्स बाद आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करिए ताकि ये अच्छी तरह से स्किन में अब्जॉर्ब होता है। जनरली सीरम पहले लगाया जाता है बेयर स्किन पे एंड उसके बाद ही कुछ उसके ऊपर लगाया जाता है। अगर आप मेकअप भी लगा रहे हैं या मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं वो हमेशा सेरम के 10-15 मिनट्स बाद, जब सेटलमेंट हो जाए आपके सेरम का आपकी स्किन के अंदर, उसके बाद ही आपको लगाना है। इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग दिस रॉन्ग और राइट बट दिस इज व्हाट आई थिंक इसका प्रोनाउंसिएशन है। इसके अंदर रोजहिप ऑयल है, इसके अंदर ऑलिव एक्सट्रैक्ट है, साथ ही साथ इसके अंदर कोकोनट एक्सट्रैक्ट है। हाइलुरोनिक एसिड जो है ये आपके रिंकल्स को ठीक करता है, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी ठीक करता है, आपके स्किन को इनफ हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद इसके अंदर जो रोजहिप ऑयल है ये आपके स्किन से जितने भी मार्क्स हैं, पिंपल मार्क्स हैं या ब्लेमिशेस हैं उसको ये ठीक करता है।
सो दिस इज बेसिकली सेफ फॉर ऑल स्किन टाइप. अगर आपकी ऑयली स्किन है या आपकी ड्राई स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, दिस इज सेफ फॉर ऑल स्किन टाइप. एज यू ऑल नो दैट मामाअर्थ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये क्रूल्टी फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं, साथ ही साथ ये पेटा सर्टिफाइड है. इनके अंदर कोई भी पैराबेन, केमिकल्स, मिनरल ऑयल्स, जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं वो कुछ भी नहीं होता है. मामाअर्थ इज अ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड. जितना प्लास्टिक ये यूज करते हैं उससे ज्यादा प्लास्टिक ये रिसाइकिल करते हैं. ऑल्सो आई हैव टेकन अप वन बॉटल चैलेंज बाय मामाअर्थ. इस चैलेंज में क्या होता है कि मैंने ऑलरेडी 14-15 डेज हो गए मुझे यूज करते हुए एंड आई कैन सी द रिजल्ट ऑन माई फेस एज वेल. तो और मैं इसको जब तक ये मेरा बॉटल पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता है तब तक मैं इसको यूज करूंगी टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स. आप भी इस तरह का चैलेंज कर सकते हैं टू गेट द बेस्ट रिजल्ट. मतलब पूरी बॉटल को आपको यूज करना होगा मामाअर्थ की. एंड अगर आप ये चैलेंज करते हैं देन डू मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन और आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मुझे बता सकते हैं. और अभी मैं फटाक से रेडी होती हूँ, चेंज करती हूँ और चेंज करने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ लंच करने के बाद. मेक ओवर की चीजें हम लोग स्टार्ट करेंगे. सो या स्टे ट्यून्ड. तो इसमें जो कलर स्कीम मैं करने वाली हूँ, बिकॉज आपको पता ही है यहाँ पर ऑरेंज वॉल्स हैं विच आई कांट डू एनीथिंग ऑफ, जिसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ बिकॉज ये बहुत ही एक्सपेंसिव सा कोई प्लास्टिक पेंट है जो 10 ईयर्स से एज इट इज है. अभी इसको मैं तो चेंज नहीं कर सकती हूँ. सो वी हैवंट चेंज और टच्ड दिस ऑरेंज कलर क्योंकि इसका जो कबर्ड्स हैं, जो मेरे यहाँ की कबर्ड्स हैं, वो भी इज एन ऑरेंज कलर. सो व्हाट आई हैव डिड इज मैंने जो कलर स्कीम्स होती है उसमें चेक किया कि ऑरेंज एंड वाइट के साथ और कौन कौन सा कलर हम कॉन्ट्रास्ट में कर सकते हैं. तो दो कलर्स का ऑप्शन आया था. एक तो आया था टर्कोइज कलर का. सो टर्कोइज मैंने चूज किया बिकॉज आई हैव ऑलरेडी लॉट ऑफ थिंग्स ऑफ टर्कोइज कलर. मैं अपने लिविंग रूम में कर चुकी हूँ टर्कोइज का. तो अभी हम जो करने वाले हैं वो इस रूम में ऑरेंज, टर्कोइज एंड व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन रहने वाला है. सो एज यू ऑल नो कि मैंने मेरे लिविंग रूम में ये फ्रेम लगा हुआ था, तो मैं ये वाली जो फ्रेम है वो यहाँ पर चेंज कर दूंगी. मतलब मैं ये बिल्कुल जीरो बजट मेकओवर कर रही हूँ. जो चीजें आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है उसी से मैं ये मेकओवर करने वाली हूँ. मैंने ये DIY फ्रेम किया था, 3D पेंटिंग, ये भी मैं लगाने वाली हूँ. तो लेट्स सी कि मैं इसको कहाँ पर लगाती हूँ.
गाइस, तो देखा आपने, बहुत सिंपल सा मैंने मेकओवर किया था. आई थिंक बहुत ही ज़्यादा बेसिक था ये, बट फिर भी ठीक है. बहुत कुछ चेंज हो गया रूम में और काफ़ी अच्छा अच्छा लाइटन अप लग रहा है, बिकॉज सिर्फ ऑरेंज और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में ही था ये. तो अब ये टर्कोइज एंड येलो के हल्के हल्के से हिंट्स हैं, तो इट लुक्स वेरी नाइस. और अभी जस्ट आई एम गोइंग टू सिट एंड फिल इन माई प्लानर. तो प्लानर वाला जो पार्ट है ना, वो मैंने लास्ट वाला जो वीडियो था, जो वेलकम्ड, हाउ आई वेलकम 2020 और न्यू ईयर वाला है, उसमें मैंने शूट कर लिया था. बट क्योंकि मेरा वीडियो बहुत लेंदी हो गया था, तो मैंने वो वाला पार्ट कट कर दिया. येस, मैं ऐसा बहुत सारी बार करती हूँ. जब भी मेरा वीडियो लंबा हो जाता है या उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाती है, आई यूजली कट माई पार्ट. एक जो मेरा गोल फॉर द ईयर है, वो मैं कल कंप्लीट करने जा रही हूँ. कंप्लीट मतलब स्टार्ट करने जा रही हूँ, दो दिन में वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. मतलब मैं लास्ट ईयर ऐसा कुछ करना चाहती थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया, टलता गया या प्रॉपरली एक्शन नहीं लिया मैंने. इस बार मैं बिल्कुल फुल ऑन उसमें हूँ कि मुझे अपने सारे रेजोल्यूशन कैसे भी करके कंप्लीट करने ही करने हैं. तो जो कल का रेजोल्यूशन है, वो मैं कल के ब्लॉग में, वो वाला ब्लॉग जो है, वो मैं अलग से बनाऊंगी और उसमें मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों से कि एक्चुअली में क्या रेजोल्यूशन था. और जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं बताऊंगी. बहुत बेसिक रेजोल्यूशन है मेरे, बहुत ज़्यादा ऐसे, मतलब इट्स वेरी बेसिक. कुछ लोगों में बताऊंगी तो वो बोलेंगे ये तो हम करते ही करते हैं, बट वो मैं नहीं करती हूँ. तो जो मैं नहीं करती हूँ और मैं करना चाहती हूँ, वो सब उस तरह के रेजोल्यूशन मैंने बनाए हैं. एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि सबको ऐसे गोल्स बनाना चाहिए और अपना विजन बोर्ड. येस, आई हैव टू प्रिपेयर विजन बोर्ड एज वेल. मैंने लास्ट ईयर सोचा था विजन बोर्ड बनाने का, बट मुझे ना वो मोटिवेशन नहीं मिला था विजन बोर्ड बनाने का. मैं सोच रही थी विजन बोर्ड में क्या लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए. देन आई वॉच्ड लॉट ऑफ वीडियोज, बहुत सारे वीडियोज देखे एंड समझो एक्चुअली में कि विजन बोर्ड में करना कैसे है. सो दिस ईयर आई एम गोइंग टू मेक विजन बोर्ड. मैं दो तीन दिन के अंदर अंदर अपने लैपटॉप के थ्रू बनाऊंगी एंड देन फिर उसको इम्प्लीमेंट करके अपने बोर्ड पे लगाऊंगी. तो यहीं पर कहीं पे मैं लगाने वाली हूँ, या तो ये वाली जगह पे या सामने लगाऊंगी, ताकि मैं सोते उठते मुझे वो दिखता रहे. एंड और एक और मेरा, दो तीन ऐसे लास्ट ईयर के गोल्स थे जो मेरे को कैरी फॉरवर्ड हो गए हैं इस साल, बट इस साल मुझे कंप्लीट करना ही करना है एनी हाउ. अगर आप ये चाहते हो कि मेरे एक्चुअली में रेजोल्यूशंस क्या क्या है इस साल के, 20 थिंग्स एंड 20 थिंग्स टू दिस 2020, बिकॉज इस प्लानर में 20 थिंग्स का स्पेस है, तो मैंने सिर्फ 18 भरा है. दो अभी तक मुझे नहीं मिला है और ना मुझे समझ में आ रहा है. वो मुझे जैसे जैसे समझ में आएगा या लगेगा तो मैं इसमें ज़रूर डालूंगी. And yes, that's it for my video. I hope you like my video. If you do so, then do not forget to hit the like button, subscribe to my channel and comment down below. Aur main milti hu aapko mere next video mein. Till then, bye.